ये देखिए गाइस, रास्ता देखिए, सिर्फ रास्ता देखिए कितना खराब है। तो गाइस हम लोग ये वाले टेंट में रुके थे, यहाँ पे सीरियसली बहुत मिसमैनेजमेंट है, कोई भी घुस रहा है किधर भी। इतवार मात्र 15-20 मिनट में हमारे केदार बाबा के दर्शन हो जाएंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो आप लाइन देख रहे हो ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए लाइन है। ये लाइन में लगने के बाद जैसे आपका नंबर आता है आप रजिस्ट्रेशन काउंटर पहुंचते हो, जहां पे आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाते हो और फिर टैक्सी लेके गौरीकुंड जाते हो। टैक्सी के चार्जेस मात्र 50 रुपये है। ये लाइन इतनी बड़ी रहती है कि कम से कम आपके 3.5 से 4 घंटे चले जाएंगे। तो रात को ही ये लाइन लगा लीजिए ताकि आप सुबह जल्दी जल्दी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुँचे और वहाँ से टैक्सी लेके गौरीकुंड पहुँचे, जहाँ से आपकी मेन यात्रा, या ऐसे कह सकते हैं जहाँ से आपका मेन ट्रैक शुरू होता है। तो ये है गौरीकुंड का मेन पॉइंट जहाँ से एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। तो सोचा यहाँ पे रुक के एक फ़ोटो निकाली जाए। और मेरे ऊपर वाले बोर्ड की तरफ गौर से देखिए, ये बोर्ड के हिसाब से गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है, बट अगर आप एक्चुअल ट्रैक करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 22 किलोमीटर। 2013 के पहले जो रास्ता गौरीकुंड से केदारनाथ तक जाता था उसकी दूरी 16 किलोमीटर की थी, लेकिन जब 2013 में उत्तराखंड में आपदा हुई जिसके कारण उत्तराखंड में काफ़ी मात्रा तक नुकसान हुआ था, काफ़ी सारे गांव बह गए थे, तभी जो गौरीकुंड से केदारनाथ जाने वाला रास्ता है वो भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका। तो आप जब भी केदारनाथ यात्रा करने जाओगे तो इतना याद रखिए कि आपको 16 नहीं 22 किलोमीटर का ट्रैक करना है। गौरीकुंड से केदारनाथ जाने के लिए आपके पास 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है घोड़ा या कच्चर, जिसके ऊपर जाने के चार्जेस 3,500 है और नीचे आने के चार्जेस 2,500 है। दूसरा ऑप्शन है पालकी, जिसके चार्जेस आपके वेट के हिसाब से है, जितना आपका बॉडी का वेट उतना चार्जेस है, मिनिमम चार्जेस 8,000 है और मैक्सिमम 15,000 तक जाता है। तीसरा ऑप्शन है पिट्टू, जिसके भी चार्जेस आपके वेट के हिसाब से 8 से 15,000 तक उसका चार्जेस जाता है। चौथा और सबसे डिफिकल्ट ऑप्शन चल के जाना है, जो कि हमने चूज़ किया था। टोटल 22 किलोमीटर का ट्रैक है चल के जाने के लिए और उसके लिए कम से कम 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्यारा ऑप्शन है ये। पांचवा और आखिरी ऑप्शन है हेलीकॉप्टर का, जो कि सबसे आसान ऑप्शन है, लेकिन इसका टिकट मिलना थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी फुल हो जाता है इसका टिकट। इसका टिकट आपको IRCTC के वेबसाइट पर या केदारनाथ की वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसके चार्जेस है टोटल आने जाने के 5,500 रुपया। बस ये रीजन के लिए तेरे साथ वापस राइड करूंगा ताकि अपने को टाइम टू टाइम ना खारा खाने को मिलते रहे। पहाड़ों की मैगी अभिषेक के हाथ से, क्या बात है। ये देखिए गाइस, रास्ता देखिए, सिर्फ रास्ता देखिए कितना खराब है। आदमी लोग भी उधर से ही चल रहे हैं, घोड़े भी उधर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है। हेलो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। अभी बज रहे सुबह के 3:30। हालत पूरी तरह ख़राब है, लेकिन अपने आप को पुश तो करना पड़ेगा क्योंकि मंदिर जाना है शंकर भगवान के दर्शन लेने और वहाँ पे भी काफ़ी भीड़ है। कम से कम 5-6 घंटे लगने वाले दर्शन को। पैरों ने तो पूरी गिव अप कर दिया अभी, मतलब रात को मैं सोया ना, इतने क्रैम्स आ रहे थे पैरों में, इतने क्रैम्स आ रहे थे, क्या ही बताऊँ आपको। बट करना है तो अपने आप को पुश करना है। तो तैयार होते और चाहते हैं शंकर भगवान का दर्शन लेने के लिए और फर्स्ट लुक ऑफ केदारनाथ मंदिर। चलो निकलते। तो गाइस हम लोग ये वाले टेंट में रुके थे कल की रात, और जब आप टेंट्स में रुकते हो ना तो आपको टॉयलेट कॉमन यूज़ करना है,
ओके है, क्लीन है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंडियन टॉयलेट है। नहीं तो फिर आपको ऊपर जाके टेंपल के यहाँ पे होटल लेना पड़ेगा, जो स्टार्ट होता है 7 से 8 हज़ार रुपया 4 से 5 लोगों के लिए। चलो जाते हैं भोलेनाथ का दर्शन लेने, अभी रेडी हो गए। चल भाई बस क्या, एक्चुअली कल दिन भर है ना हम लोगों ने वो मैगी खाई थी ना, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। सुबह जो मैगी खाई थी मैंने तो पीछे से चल रहा था, इसके लिए मैंने तो वापस एक मैगी खाई कहीं पे रुक के। अभिषेक ने तो कुछ भी नहीं खाया और आके हम लोग तो जो सो गए हैं ना वो अभी उठे, उसके बाद चाय और बिस्किट लिया, वो खाएंगे और मंदिर की तरफ निकलेंगे। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, केदारनाथ के बर्फ के पहाड़ों का सुबह सुबह दर्शन ले लीजिए। यहाँ पे अभी सीन कैसे मालूम है, हम लोग लाइन में खड़े हैं टोकन के, यहाँ पे वापस हमारा रजिस्ट्रेशन चेक होगा और हम लोग को एक स्लिप दी जाएगी और फिर हम लोग दर्शन के लाइन में खड़े रहेंगे। तो लंबी प्रोसेस है, काफ़ी बड़ी लाइन है, बट हो जाएगा, अभी आए हैं तो करना है। तो ये कुछ ऐसा टोकन मिलता है दर्शन के लिए, ये टोकन लेने का और फिर जाके अभी दर्शन के लाइन में खड़ा रहेंगे। अभी दर्शन की लाइन कितनी है वो जाके देखते हैं। तो इसी के साथ वक्त आया है केदारनाथ टेम्पल का फर्स्ट लुक आप लोगों तक पहुंचाने का, दर्शन देने का। तो लाइन भी इतनी है और भूख भी लगी थी, तो पहले मैं जाके मस्त आलू पराठा खा के आया, अभी अभिषेक गया है आलू पराठा खाने के लिए। लाइन में खड़े और बोल रहे हैं इधर के लोग कि मिनिमम 3 घंटा लगेगा। लाइन ज़्यादा लंबी नहीं है लेकिन जो वो मूव हो रही है ना, इतनी स्लो मूव हो रही है ना, पता नहीं क्यों, या तो शायद आगे सब जन लाइन में घुसते रहेंगे, दोनों में से एक चीज़ है। थोड़ा वेल मैनेज्ड होना चाहिए यहाँ पे, उतना नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है, बाकी सब बढ़िया है। जाके दर्शन लेते हैं केदार बाबा के। यहाँ पे लाइन के लिए ज़रा भी अरेंजमेंट्स नहीं है, सब इधर उधर बीच में घुस रहे हैं भाई, बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं यहाँ पे। देखो इधर पूरा सब मगजमारी चालू है, सब जन घुसने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। सीरियसली बहुत मिसमैनेजमेंट है, कोई भी घुस रहा है किधर भी, इतना बड़ा ये है लेकिन जरा भी मैनेजमेंट नहीं है यहाँ पे। लोग लिटरली पैसे लेके लोगों को घुसा रहे हैं लाइन में। तो बस अब इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, हम यहाँ पे हैं और केदार बाबा वहाँ पे। तो और मात्र 15-20 मिनट में हमारे केदार बाबा के दर्शन हो जाएंगे और मतलब मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा कि क्या फीलिंग रहने वाला है। बाकी दर्शन लेने के बाद बाहर का नज़ारा आपको दिखाएंगे, मंदिर दिखाएंगे, जो यार वर्ल्ड फेमस केदारनाथ टेम्पल है वो तो बराबर से दिखाना बनता है। तो जाके दर्शन लेते हैं और फिर आप लोगों को मस्त नज़ारे दिखाते हैं। फाइनली दर्शन हो गए मुंबई से केदारनाथ तक अपनी बाइक पे, उसके बाद 10 घंटा ट्रैक करके केदार बाबा ने हमें दर्शन दे दिए और जो फीलिंग्स है ना क्या ही बताओ आपको मैं, मतलब बस मन एकदम ऐसा, मतलब ऐसा शब्द नहीं है मेरे पास, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और बस अभी यहाँ का नज़ारा आप एंजॉय कीजिए क्योंकि मेरे पास तो शब्द नहीं है अभी यार। दर्शन हो गए, अभी थोड़ी भूख भी लगी थी
तो मंगाए गए हैं, बस बारिश का माहौल है तो दाल चावल और सब्जी मंगाई गई है, खाएंगे। और अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं ये दिन में, तो पहले खा लेते हैं और आगे की कहानी आपको आगे पता चलेगी। भाई को भूख लगी है इसके लिए भाई बोला नो कंटेंट। तो ऊपर आने के बाद यहाँ पे हेलीपैड है, यहाँ से 1 किलोमीटर पे टेंपल रहेगा, तो जो हेलीकॉप्टर से आ रहे उनके लिए एकदम सुकून वाली ज़िंदगी है और कोई भी स्ट्रेस नहीं है। इसका बुकिंग ऑनलाइन भी होता है, IRCTC के वेबसाइट पे भी होता है, और अगर बोथ वे चाहिए तो उसका ऑनलाइन ही करना पड़ता है, नहीं तो नहीं होता। बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, प्यारे दर्शन के बाद अभी आ गए हम लोग बेस कैंप। ऊपर बारिश शुरू हो गई थी तो काफ़ी रुकना पड़ा। अभी बज रहे 2:00 PM और पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि उतरना अभी बाकी है, तो हम लोग वापस चल के उतरने वाले हैं। उसमें मज़ा है यार, उसमें एडवेंचर है, आए हैं चल के तो उतरेंगे भी चल के, तो देखते हैं सफ़र कैसे रहेगा। ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सारे बैटरीज बहुत कम है, फ़ोन कैमरा गोप्रो सबके बैटरीज कम है। पावर बैंक लाए थे, पावर इधर चार्जिंग का ऑप्शन नहीं था कैंप में, पावर बैंक लाए थे, जितना हो सके उतना चार्ज किए, जितना हो सके उतना। नीचे उतरते वक्त आपको नज़ारे दिखाएंगे, बाकी तो अभी 2 बजे तो अंधेरे में उतरने वाले हैं बाद में शाम होने के बाद, और अंधेरे में नीचे गौरीकुंड पहुँचेंगे। तो शुरू करते हैं केदारनाथ, श्री केदार बाबा के दरबार से नीचे गौरीकुंड तक का सफ़र। यह है घोड़ा पार्किंग, कल रात को दिखाया था लेकिन अंधेरे में आप लोगों को दिखा नहीं रहेगा, दिन में देख लीजिए इधर पर घोड़ा आता है। घोड़ा पड़ा, हाँ वही ना, घोड़ा पार्किंग ही हो गया ना। घोड़े घोड़े सस्ते घोड़े, घोड़ा घोड़ा गौरीकुंड के घोड़ा 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 तो घोड़ा पार्किंग मतलब घोड़ा पड़ाव, जहाँ पे यहाँ तक घोड़े आते हैं, यहाँ से चल के जाना है या पालकी में। आज है ना भीड़ बहुत रहेगी क्योंकि आज है सैटरडे, सैटरडे संडे के हिसाब से भीड़ ऊपर आने वाली ज़्यादा रहेगी, और उतरते वक्त दिक्कतें आने वाली है कि रास्ते गीले, फिसलने का ज़्यादा टेंशन रहने वाला है। उतरते वक्त किलोमीटर तो फटाफट कट रहे हैं बट पैरों पे इतना प्रेशर आ रहा है ना, स्पेशली नी पे, और प्लस पैर इतने स्लिप हो रहे हैं ना, जहाँ पे कीचड़ है, जहाँ पे सूखा है ना उधर फटाफट निकल ले रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे कीचड़ है उधर आराम आराम से जाना पड़ रहा है। सब सारे जितने जने ना सबके पैर फिसल रहे हैं। A few hours later. All the travelers, आपके ट्रैवलर ने केदारनाथ ट्रैक पूरी तरह कंप्लीट किया है। 23 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जाना और 23 किलोमीटर नीचे उतर के आना, दोनों भी। Live life, love life. गुड आफ्टरनून, अभी बज रहे 2:00 PM और कल रात को हम लोग 10:30 नीचे आए, लेकिन शाम के बाद कुछ भी व्लॉगिंग कर नहीं पाया क्योंकि जितने भी गैजेट हम लोग लेके गए थे, गोप्रो बोलो, कैमरा बोलो, मोबाइल बोलो, सारे के बैटरीज डाउन थे वहाँ पे कहीं पे। और अभिषेक बोल रहे हैं हमारी खुद की भी बैटरी डाउन थी, व्लॉगिंग करने का मन नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस भाई हम लोग नीचे आ गए। बट इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, क्या ही बताओ आपको। मतलब हम लोग ऊपर गए और दर्शन करके आए ना, मतलब बस ऐसा लग रहा है कि सब कुछ मिल गया ज़िंदगी में। बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था स्पेशली मेरे लिए, मैंने कभी ट्रैक नहीं किया रहेगा, आपने मेरे व्लॉग्स में भी देखा रहेगा, कोई ट्रैक वाले ऐसे व्लॉग्स आए नहीं है कभी, बट यार ये वाला मतलब ऐसे पकड़ के चलिए सबसे पहला ट्रैक था और इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक था मेरे लिए, बट भाई था अपने साथ। इसके वजह से है ना, पहली बात तो इसके वजह से ये राइड प्लान हुई है और इसके वजह से मैं ये कर सका, मतलब वो जो हिम्मत आ रही थी ना। चल बस, तो लायक है क्या? बहुत ही बढ़िया थी और
बस भाई हो गया है, मतलब अभी एग्जाम ऐसा फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है, और बहुत सारी चीजें करनी है, बट फिलहाल के लिए एट दिस मोमेंट ऐसा लग रहा है से ट्रैक वाले व्लॉग आना शुरू हो जाएंगे। फिलहाल के लिए तो ऐसा लग रहा है कि एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे हैं हम लोग यार, मतलब ऊपर गए, दर्शन किए, वापस नीचे उतर के आए, बहुत ही बढ़िया। ऊपर जाने में ना थकावट बहुत ज्यादा थी, बट नीचे आते वक्त कल है ना पैर ऐसे दर्द कर रहे थे ना, घुटने तो मेरे बोल रहे थे भाई तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि बहुत प्रेशर आ रहा था, रास्ते थोड़े खराब थे, आप लोगों ने वीडियोस में तो देखा ही रहेगा, तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ रहा था नीज पे, और अंधेरा होने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि कीचड़ था पूरा, और उसमें चलते वगैरह ना पैर पूरे स्लिप हो रहे थे, तो भाई रेलिंग पकड़ पकड़ के जान हथेली में लेके नीचे आए, बट कैसे वैसे आ गए। और उसमें अभिषेक अपना भाई है ना, अभिषेक 3 से 4 घंटा ऊपर मेरे लिए रुका था, मैंने वो पता नहीं वो बैठा था कोई जगह पे, मैंने उसको मिस कर दिया, उसने मेरे को मिस कर दिया, उसको डर लग रहा था कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसे क्या। 3 से 4 घंटा वो ऊपर बैठा था, उसके बाद मैं नीचे पहुँच गया, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई को किधर है तू, तो पता नहीं मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था, फिर मैंने कहीं पे दुकान में चार्जिंग किया, उसको फ़ोन किया तो बोला कि अरे मैं अभी जस्ट मतलब मैं हूँ नीचे आ रहा हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 2-3 घंटा रुका था, बोला अरे यार क्या कर रहा है, तो फिर वो आ गया 1 घंटे के डिफरेंस में, वो नीचे आ गया, फिर हम लोग होटल में आके सबसे बेस्ट चीज़ किए सो गए मस्त में सो गए, कुछ मिल गया। ये आपसे गलत बात कर रहे हैं, हम लोग सोए नहीं थे, हम लोग क्रैश हुए, क्रैश क्रैश नो सोना ओनली क्रैश। चलो फिर ठीक है, ये व्लॉग यहाँ पे ही खत्म करते हैं, अगर आपको ये व्लॉग, ये केदारनाथ वाला व्लॉग, और पीछे से मस्त हेलीकॉप्टर जा रहे थे, तो आपको ये केदारनाथ वाला व्लॉग अगर प्यारा लगा रहेगा, अच्छा लगा रहेगा, और केदारनाथ जी के दर्शन आपके प्यारे हुए रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आ गया रहेगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर, live life, love life.